बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूँ ताहिर महमूद राव। तो सर, आज हम केमिस्ट्री 9th चैप्टर नंबर 1 लेक्चर 14 पढ़ेंगे। तो लेक्चर 14 में हमने क्या चीज़ें पढ़नी है, हमने दो चीज़ें कवर करेंगे लेक्चर 14 में। सबसे पहले हम देखेंगे टेस्ट योरसेल्फ 1.3, 5 क्वेश्चन है इसके, ये हम पढ़ेंगे। उसके बाद टॉपिक है हमारा व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ अ केमिकल फार्मूला, यानी वो केमिकल फार्मूला जो होता है कंपाउंड्स का, उस केमिकल फार्मूले की क्या अहमियत होती है, ये दो क्वेश्चंस हम इस लेक्चर में कवर करेंगे। तो स्टूडेंट, फर्स्ट क्वेश्चन, टेस्ट योर सेल 1.3, क्वेश्चन नंबर 1, हाउ मैनी AMU 1 ग्राम ऑफ अ सब्सटेंस हैज़, हाउ मैनी AMU 1 ग्राम ऑफ अ सब्सटेंस हैज़। इसका मतलब है, वो कह रहा है अगर आपके पास किसी सब्सटेंस का 1 ग्राम है तो हाउ मैनी AMU, उसके अंदर कितने AMU होंगे। हाउ मैनी AMU 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस हैज़, यानी अगर आपके पास 1 ग्राम है तो उसमें कितने AMU होंगे, ये हमने फाइंड आउट करना है। तो बहुत ही आसान सी बात, लास्ट टाइम हमने टॉपिक पढ़ा था रिलेटिव एटॉमिक मास एंड एटॉमिक मास यूनिट, तो वहाँ से आपने एक्सप्रेशन याद किया था, आपने एक एक्सप्रेशन, वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। वी नो दैट, हमें पता है 1 AMU इज इक्वल टू 1.66 मल्टीप्लाइड बाई 10^-24 ग्राम्स। तो ये स्टूडेंट आपको पता है, लास्ट टॉपिक में आपने याद किया कि अगर आपको एक AMU हो, 1 AMU हो, तो किसके इक्वल होता है 1.66 मल्टीप्लाइड बाई 10^-24 ग्राम्स के वो बराबर होता है। तो 1 AMU इतने ग्राम्स के बराबर है। क्वेश्चन हमारा है कि अगर 1 ग्राम हो तो उसमें AMU कितने होंगे। 1 AMU इज इक्वल टू दिस ग्राम्स, और अगर आपके 1 ग्राम हो, निकालना हो, तो आपके कितने AMU बनेंगे, ये आपका है। तो आप सिंपली यहाँ ग्राम को वहीं रखेंगे, कुछ ना हो तो 1 होता है, तो 1 ग्राम यहीं रहेगा। ये पूरी जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है 1.66, ये यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगी, यहाँ पे दूसरी साइड पे जो आएगी इज इक्वल टू के दूसरी साइड पे आएगी, तो क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। तो क्या बनेगा एक्सप्रेशन हमारा, 1/1.66 मल्टीप्लाई बाई 10^-24, और यहाँ पे आ जाएगा AMU। तो अब ये देखें, 1 ग्राम इज इक्वल टू 1/1.66 मल्टीप्लाई बाई 10^-24 AMU। ठीक है, तो 1 ग्राम इतने AMU के बराबर है। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो अब सर नेक्स्ट क्या करना है, हमने 1 ग्राम इज इक्वल टू, अब 1 को डिवाइड करना है 1.66 से, 1 को डिवाइड करेंगे 1.66 से, तो आंसर आएगा 0.602, आंसर आएगा 0.602। और ये 10^-24 है, ये कहाँ है, नीचे देखें डिनोमिनेटर में है, ये न्यूमिनेटर होता है ऊपर और नीचे क्या होता है डिनोमिनेटर, तो 10^-24 नीचे है यानी डिनोमिनेटर में है। जब हम इसको ऊपर ले जाएंगे न्यूमिनेटर में, तो ये बन जाएगा 10^+24 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 10^-, यहाँ माइनस था 24, ऊपर जाए क्या हो जाएगा प्लस, तो ये आपका हो गया 24। तो इसको यहाँ तक भी ठीक है आंसर, लेकिन थोड़ा मज़ीद इसका थोड़ा सा आपने और करना है इसको, तो आप क्या करेंगे, ये पॉइंट जो है, पॉइंट को आप राइट साइड पर ले जाएंगे, तो क्या बनेगा 6.02 बन गया। अब जब पॉइंट को एक दर्जा आप राइट साइड पे लेके जाते हैं तो पावर एक कम हो जाएगी, तो पावर क्या बनेगी 10^23। तो 1 ग्राम इज इक्वल टू 6.02 मल्टीप्लाइड बाई 10^23 AMU, यहाँ भी आएगा AMU। तो ये आपका आंसर आ गया, यही हमने फाइंड आउट करना था, अगर आपके पास 1 ग्राम है तो उसमें इतने AMU होंगे। स्टार्ट कहाँ से करेंगे, 1 AMU इज इक्वल टू दिस ग्राम, और उसके बाद एंड हमारा रिजल्ट आ गया 1 ग्राम इक्वल टू 6.02 मल्टीप्लाइड बाई 10^23 AMU। इस तरह हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। उसका सेकंड क्वेश्चन, इज एटॉमिक मास यूनिट आर SI यूनिट ऑफ एन एटॉमिक मास। वो कह रहा है कि जो आपने पढ़ा था लास्ट टाइम AMU, यानी एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट शॉर्ट फॉर्म में इसे क्या कहते हैं, AMU, यानी जो AMU है एटॉमिक मास यूनिट है वो SI यूनिट है एटॉमिक मास का। SI का मतलब होता है सिस्टम इंटरनेशनल में,
एस आई मीन सिस्टम इंटरनेशनल। तो सिस्टम इंटरनेशनल में वो कह रहा है कि आपका जो एएमयू है वो एस आई यूनिट्स या सिस्टम इंटरनेशनल में एटॉमिक मास का यूनिट है। तो आंसर सिंपली नो, एटॉमिक मास यूनिट एएमयू इज नॉट अ एस आई यूनिट ऑफ एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास का जो सिस्टम इंटरनेशनल में ये एएमयू जो है एटॉमिक मास यूनिट सिस्टम इंटरनेशनल में एटॉमिक मास का यूनिट नहीं है। तो मास का जो यूनिट होता है सिस्टम इंटरनेशनल में जो होता है मास का यूनिट होता है और वो होता है किलोग्राम। वो क्या होता है सर? किलोग्राम होता है। ये लिखने की जरूरत नहीं है, बस आप सिंपल यही आंसर लिखेंगे। ठीक, किलोग्राम जो है मास का सिस्टम इंटरनेशनल में यूनिट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3, क्या व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। एटॉमिक नंबर में और मास नंबर में क्या रिलेशनशिप है? तो इसके आंसर में आप सिंपली ये आंसर भी लिख देंगे, या आपने अगर एडिशन करनी है, आपने और स्ट्रेंथन करना है अपने आंसर को, तो आप दोनों की डेफिनेशन भी लिख सकते हैं। यानी आप पहले एटॉमिक नंबर की डेफिनेशन लिखें फिर मास नंबर की टेबुलर फॉर्म में। ठीक है, ऐसे टेबुलर फॉर्म में आप पहले दोनों की क्या लिख लें, डेफिनेशन लिख लें एटॉमिक नंबर की और मास नंबर की जो आपको आती हैं। यानी एटॉमिक नंबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ इट्स एटम्स इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। एंड मास नंबर, ये भी आपने डेफिनेशन याद की, बहुत ही आसान सी, द सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड मास नंबर। तो आप पहले, अगर आपने थोड़ा सा इसको स्ट्रेंथन करना आंसर को, तो दोनों की आप पहले डेफिनेशन लिख देंगे एटॉमिक नंबर की और मास नंबर की। तो फिर ताल्लुक क्या है इनके दरमियान? ये हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, द रिलेशनशिप बिटवीन एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर इज, क्या रिलेशनशिप है जी? ये फार्मूला जो है रिलेशनशिप है बिटवीन एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। ए स्टैंड्स फॉर एटॉमिक, सॉरी मास नंबर। ए इज इक्वल टू जी प्लस एन, ए इज इक्वल टू जी प्लस एन, दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन मास नंबर एंड एटॉमिक नंबर, वेयर ए इज द मास नंबर, Z एटॉमिक नंबर, N N स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन 4 जो है डिफाइन रिलेटिव एटॉमिक मास। ये लास्ट टाइम लेक्चर 13 में हमने ये डेफिनेशन पढ़ी थी, तो सेम आपने इसकी डेफिनेशन लिख देनी है। दोबारा रिवाइज कर लेते हैं एक दफ़ा। द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट, किसी एलिमेंट का जो रिलेटिव एटॉमिक मास होता है वो क्या होता है? इज द एवरेज मास ऑफ एटम्स ऑफ दैट एलिमेंट, उस एलिमेंट के जो एटम्स होते हैं डिफरेंट उनका एवरेज मास हम पहले लेते हैं और फिर उसको कंपेयर करते हैं एज कंपेयर टू 1/12 द मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। फिर उनका जो एवरेज मास होता है किसी भी एलिमेंट के अंदर जो एटम्स होते हैं उनका जो एवरेज मास होता है उसको फिर हम कंपेयर करते हैं 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। कार्बन 12 जो आइसोटोप है उसके 1/12 पार्ट से हम कंपेयर करते हैं, फिर जो हमारे पास मास आता है उसे हम कहते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास। रिलेटिव क्यों कहते हैं? क्योंकि हम मुआजना करके फाइंड आउट करते हैं। किससे मुआजना करते हैं? रिलेटिव मीन किससे रिश्तेदारी निकालते हैं? 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन 12 आइसोटॉप से हम कंपेयर करके मुआजना करके हम इसको फाइंड आउट करते हैं, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड रिलेटिव एटॉमिक मास। तो इसमें हमारा फोर्थ क्वेश्चन हो गया। लास्ट क्वेश्चन टेस्ट योरसेल्फ 1.3 का, कह रहा है व्हाई एटॉमिक मास ऑफ एन एटम इज डिफाइंड एज रिलेटिव एटॉमिक मास। वो कह रहे हैं अगर आपके पास जो एटम्स के एटॉमिक मैसेज होते हैं उन्हें हम रिलेटिव एटॉमिक मैसेज के तौर पे क्यों डिफाइन करते हैं? ठीक है, उसकी वजह यह है कि जो एटॉमिक मैसेज होते हैं ना एलिमेंट्स के, जो एटम्स के या एलिमेंट्स के जो एटॉमिक मैसेज होते हैं उनको फाइंड आउट करने का तरीका क्या है? फाइंड आउट करने का तरीका यही है कि हम उसको कंपेयर करते हैं, जो हमारे पास एटम्स होते हैं डिफरेंट एलिमेंट्स के उनको हम कंपेयर करते हैं, मुआजना करते हैं उनका। किससे मुआजना करते हैं? 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन 12 एटम, कार्बन 12 जो आइसोटॉप है उसके 1/12 पार्ट से उसको कंपेयर करके फाइंड आउट करते हैं। तो कंपेयर करते हैं, इसी वजह से एटॉमिक मास को हम क्या कह सकते हैं? रिलेटिव एटॉमिक मास के तौर पर भी डिफाइन करते हैं, या ये टर्म भी हम इस्तेमाल करते हैं एटॉमिक मास के लिए। क्या टर्म इस्तेमाल करते हैं? रिलेटिव एटॉमिक मास, क्योंकि उसका मेथड ये है फाइंड आउट करने का, दैट्स व्हाई। तो यही हम आंसर में लिखेंगे, बिकॉज क्योंकि ऐसा इसलिए हम करते हैं कि वी कंपेयर द एटॉमिक मास ऑफ अदर एलिमेंट्स,
यानी जितने भी दूसरे एलिमेंट्स हैं जिनका हम मैस फाइंड आउट करना चाहते हैं, क्या करते हैं, उनको कंपेयर करते हैं। किससे कंपेयर करते हैं? विद कार्बन 12 एटम्स, कार्बन 12 के एटम्स के साथ। और कार्बन 12 के एटम्स के किस चीज़ से कंपेयर करते हैं? 1/12 पार्ट से। ड्यू टू दिस रेशियो, इस रेशियो की वजह से, रेशियो मीन हम रेशियो निकालते हैं, कंपेरिजन करते हैं, देयर एटॉमिक मैसेज आर रेफर्ड एज रिलेटिव एटॉमिक मैसेज। इसी वजह से डिफरेंट एलिमेंट्स के जो एटॉमिक मैसेज होते हैं उन्हें हम रेफर करते हैं रिलेटिव एटॉमिक मैसेज, यानी उनको हम रिलेटिव एटॉमिक मैसेज भी कह सकते हैं, क्योंकि हम कंपेयर कर रहे हैं, मुआजना करके फाइंड आउट करते हैं उनके एटॉमिक मैसेज। तो ये स्टूडेंट टेस्ट योर सेल्फ 1.35 क्वेश्चन थे, बहुत ही आसान से ये हम करेंगे। तो अब नेक्स्ट हमारा आज के लेक्चर में जो टॉपिक है उसको देखते हैं, वह सिग्निफिकेंस ऑफ द केमिकल फार्मूला। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आज के लेक्चर का, लेक्चर 14 का नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे और ये शॉर्ट भी पूछा जा सकता है। डिस्क्राइब्स द सिग्निफिकेंस ऑफ अ केमिकल फार्मूला, सिग्निफिकेंस कहते हैं अहमियत को, ऑफ अ केमिकल फार्मूला, यानी केमिकल फार्मूले की क्या अहमियत होती है। जैसे डिफरेंट कंपाउंड्स हैं, हर कंपाउंड का एक केमिकल फार्मूला होता है, तो उसकी क्या अहमियत है। स्टूडेंट जैसे हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं, जैसे अभी हमने पढ़ा था इस चैप्टर में एलिमेंट्स का टॉपिक, तो वहाँ हमने देखा था एलिमेंट्स के सिंबल होते हैं, हर एलिमेंट का एक सिंबल होता है। जैसे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का सिंबल H, ऑक्सीजन का सिंबल O, सोडियम का Na, तो जितने भी एलिमेंट्स होते हैं तमाम एलिमेंट्स का क्या होता है? सिंबल होता है। और जब एलिमेंट्स जो कंबाइन होते हैं, तो एलिमेंट जब कंबाइन होते हैं तो आपके पास क्या बनाते हैं? कंपाउंड्स बनते हैं। तो जो कंपाउंड्स होते हैं उनके केमिकल फार्मूलाए होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे वाटर है, वाटर इज़ अ कंपाउंड, सो इट्स फार्मूला इज H2O वाटर। फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड, अब सोडियम क्लोराइड भी कंपाउंड है, आयोनिक कंपाउंड है, तो इसका केमिकल फार्मूला NaCl। तो जो कंपाउंड्स होते हैं, चाहे वो आयोनिक कंपाउंड्स हों या कवलेंट कंपाउंड्स हों, उनके जो केमिकल फार्मूलाए होते हैं उन्हें हम जनरली, जो उनके फार्मूलाए होते हैं उन्हें केमिकल फार्मूलाए कहते हैं। तो उन केमिकल फार्मूले का क्या फ़ायदा है, उनकी अहमियत क्या है, ये हमारा टॉपिक है, सिग्निफिकेंस ऑफ अ केमिकल फार्मूला। यानी जो कंपाउंड्स होते हैं, चाहे वो आयनिक कंपाउंड्स हों, चाहे कवलेंट कंपाउंड्स हों, कोई भी कंपाउंड हो, उसके फार्मूले को हम कहते हैं केमिकल फार्मूला। तो उसकी अहमियत क्या है, उसका फ़ायदा क्या है। तो स्टूडेंट एक तो उसका ये सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आप उसको इस्तेमाल कर सकते हो इंस्टेड ऑफ फुल नेम ऑफ अ कंपाउंड। जैसे कहीं बुक में लिखा हुआ NaCl, तो उससे हम समझ जाएंगे सोडियम क्लोराइड है, ठीक है। कहीं H2O लिखा है तो हम समझ जाएंगे वाटर है, ठीक। जैसे सल्फ्यूरिक एसिड की जगह H2SO4 लिखा हुआ है बुक्स में, तो हम समझ जाएंगे, यानी केमिकल फार्मूले को हम उस कंपाउंड के पूरे नाम की जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये बड़ी आसानी है हमें, और रिएक्शंस में बड़ी आसानी है रिएक्शंस लिखने में। तो रिएक्शंस जैसे हम लिखते हैं 2H2 प्लस O2 गिव्स यू 2H2। तो अब हमने इसका कितना फ़ायदा हुआ हमें, ये हमने केमिकल फार्मूला लिख के अब हम समझ सकते हैं इसमें कि वाटर है और इसमें कितने एटम्स हाइड्रोजन के इन्वॉल्व हैं, कितने ऑक्सीजन के इन्वॉल्व हैं। यानी बहुत ही हमें आसानी हो गई केमिकल फार्मूला की मदद से, हमें बड़ी आसानी हो जाती है समझने को, रिएक्शंस को समझने बड़ी आसानी हो जाती है। तो हमें साफ नज़र आ रहा होता है कि कितने कितने जो एलिमेंट्स हैं, कितने कितनी मकदार उनकी इन्वॉल्व है इन अ रिएक्शन, ठीक है। दूसरा बड़ा फ़ायदा कि उसको आप बुक्स में पूरे नाम की जगह उसको एज अ शॉर्ट नेम आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। जैसे एलिमेंट्स के सिंबल हैं उनके जैसे फ़ायदे हैं, वैसे ही कंपाउंड्स के केमिकल फार्मूलाए होते हैं उनके क्या फ़ायदे हैं। तो यही हमारा टॉपिक है सिग्निफिकेंस ऑफ अ केमिकल फार्मूला, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ अ केमिकल फार्मूला। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट, ये फूल बना हुआ है हमारी बुक में पेज नंबर 11 पे। तो इसमें ये पॉइंट्स बने हुए 1, 2, 3, 4, 5 पॉइंट्स हैं इसके टॉपिक के। तो अगर ये आप पूछा जाता है शॉर्ट या लॉन्ग, तो आप इनको ऐसे फूल नहीं बनाएंगे, आप सीधा इसको लिख देंगे, ठीक है। पॉइंट्स बना के उसके हेडिंग्स बना के आप इसको लिखेंगे। तो अब इसको हम देखते हैं, फर्स्ट पॉइंट
इट टेल्स द नेम ऑफ ऑफ द एलिमेंट्स एज प्रेजेंट इन द कंपाउंड, ठीक है, इट मीन केमिकल फार्मूला। कह रहा है केमिकल फार्मूला टेल्स बताता है नेम ऑफ द एलिमेंट्स, एलिमेंट्स के नाम बताता है एज प्रेजेंट इन द कंपाउंड, जो कंपाउंड के अंदर मौजूद होते हैं एलिमेंट्स, ठीक। तो उसमें जाहिर बात है कंपाउंड है अगर कोई, उसके अंदर जाहिर बात एलिमेंट्स इन्वॉल्व हैं, तो जब उस कंपाउंड का आप केमिकल फार्मूला देखते हैं ना, तो आप आसानी से बता सकते हैं कि इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स इन्वॉल्व थे। अगर आपको फार्मूला नहीं आता तो फिर मुश्किल हो जाएगी, ठीक। फॉर एग्जाम्पल ग्लूकोज, अब जस्ट लिखा हो ग्लूकोज, तो आप ग्लूकोज में आप कैसे पता लगेगा अगर आपको इसका केमिकल फार्मूला नहीं आता, तो आप नहीं बता सकते ग्लूकोज में क्या चीज़ें प्रेजेंट हैं। तो ग्लूकोज का अगर आपको केमिकल फार्मूला आ गया फिर बड़ी आसानी है। देखिए ग्लूकोज का क्या होता है केमिकल फार्मूला, C6H12O6, तो दिस इज द केमिकल फार्मूला ऑफ ग्लूकोज। तो आप देखिए कितना आसान हो गया, आप अब सारे एलिमेंट्स बता सकते हैं जितने भी एलिमेंट्स ग्लूकोज के अंदर इन्वॉल्व हैं, कार्बन इन्वॉल्व है, हाइड्रोजन इन्वॉल्व है और ऑक्सीजन इन्वॉल्व है। इसका मतलब है केमिकल फार्मूला जो है किसी भी कंपाउंड का, उसकी मदद से आप आसानी से बता सकते हैं कि उस कंपाउंड के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स इन्वॉल्व हैं, कौन कौन से एलिमेंट्स उसके अंदर हिस्सा ले रहे हैं। तो फर्स्ट पॉइंट हो गया स्टूडेंट। सेकंड पॉइंट कह रहा है इट रिप्रेजेंट्स द नेम ऑफ द सब्सटेंस, इट रिप्रेजेंट्स द नेम ऑफ द सब्सटेंस, फॉर एग्जाम्पल H2O वाटर। तो इस पॉइंट में वो क्या बताना चाह रहा है, आपको बताना चाह रहा है कि केमिकल फार्मूला की मदद से आप नेम ऑफ अ सब्सटेंस बता सकते हैं। यानी अगर आपके पास केमिकल फार्मूला लिखा हुआ है तो आप उसका फिर नाम भी बता सकते हैं। जाहिर बात है फार्मूला, केमिकल फार्मूला जब देखेंगे तो आप उसकी पहचान कर लेंगे कि ये कौन सा है कंपाउंड। बीइंग अ केमिस्ट्री स्टूडेंट तो आप उसकी भी पहचान कर सकते हैं केमिकल फार्मूला देख के। फॉर एग्जाम्पल कहीं लिखा हुआ H2O तो आप जल्दी से पहचान जाएंगे दिस इज़ वाटर, दिस इज़ वाटर। अगर कहीं लिखा हुआ NaCl तो आप पहचान जाएंगे कि दिस इज़ सोडियम क्लोराइड। यानी केमिकल फार्मूला देख के आप बता सकते हैं कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ अ सब्सटेंस, यानी ये कौन सी सब्सटेंस है उसका आप नाम बता सकते हैं। तो सर टू पॉइंट हो गए, फर्स्ट पॉइंट दिस इज, सेकंड पॉइंट। नेक्स्ट चलते हैं थर्ड पॉइंट की तरफ, तो इसको आप थर्ड पॉइंट बनाएंगे अपना। तो ये क्या कहता है जी, कैन इट आल्सो रिप्रेजेंट, केमिकल फार्मूला जाहिर करता है आल्सो रिप्रेजेंट क्या जाहिर करता है, वन मोल ऑफ द मॉलिक्यूल्स, वन मोल ऑफ द मॉलिक्यूल्स इन द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। यानी वो कह रहा है कि आपकी जो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होती है ना, उन बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस में जो केमिकल फार्मूला है वो वन मोल ऑफ अ सब्सटेंस को रिप्रेजेंट करता है, वन मोल ऑफ द मॉलिक्यूल्स को रिप्रेजेंट करेगा। तो इसमें कहना क्या चाह रहा है, पहले तो आपको मोल का पता होना चाहिए, मोल क्या चीज़ है। मोल स्टूडेंट जब रिएक्शन हम लिखते हैं तो उसमें जो कॉफिशियंट्स इन्वॉल्व हो रहे होते हैं तो वो उन्हें हम मोल कहते हैं, ठीक है। जैसे देखें रिएक्शन है C+O2 गिव्स यू CO2, तो इस रिएक्शन में वन मोल ऑफ कार्बन एटम्स कंबाइनिंग विद वन मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम्स टू फॉर्म वन मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस कंपाउंड। तो ये एलिमेंट्स हैं, ये एलिमेंट्स कंबाइन हुए तो ये मोल मोल है, या कुछ ना हो तो ये क्या है, मोल है, कुछ नहीं लिखा तो यह वन है। तो इसका मतलब वन मोल ऑफ कार्बन का एटम्स जब जुड़ेंगे कंबाइन होंगे वन मोल ऑफ ऑक्सीजन के एटम्स के साथ तो क्या बन जाएगा, वन मोल बन जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कंपाउंड का। तो नॉर्मली वन मोल जो है इस चैप्टर के एंड में हमने डिटेल में पढ़ेंगे, वन मोल मोल का जो टॉपिक है इस चैप्टर के एंड में डिटेल से पढ़ेंगे। मोल जो होता है मोल, मोल स्टूडेंट किसी भी जो आपके पास सब्सटेंस है उसके मास को अगर हम ग्राम्स में एक्सप्रेस कर दें तो उसे हम वन मोल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल है वाटर है, अब सर वाटर है तो वाटर का कितना होता है मास हाइड्रोजन का 1, 2 हाइड्रोजन है तो 2 हो गया, ऑक्सीजन का 16, तो टोटल कितना होगा 18।
तो अगर आपके पास 18 ग्राम, अगर इस यूनिट इसके एएम की जगह ग्राम्स कर दें, नॉर्मली अगर आपके पास वाटर है, वाटर के यूनिट क्या होते हैं? एएमयू। वाटर के यूनिट क्या होते हैं? एएमयू। तो वाटर का मास बनता है 2 + 16 = 18। तो अगर यूनिट एएमयू है तो इसका मतलब है ये मास है जस्ट एक वाटर के मालिक्यूल का, और इतना कम होता है 18 AMU। अगर आपके पास 18 AMU वाटर है, ये बहुत ही छोटी वैल्यू, ये हम इतना कम वाटर देख भी नहीं सकते इंसानी आँख से। लेकिन अगर आप इसी यूनिट को AMU की जगह ख़त्म कर दें, इसको आप ग्राम्स में शो करें, तो अब ये हो जाएगा 18 ग्राम वाटर। तो ये कोई इतनी अमाउंट है जो हम देख सकते हैं, ठीक है। इसको इस तो ये 18 ग्राम अगर वाटर है, 18 ग्राम, तो इसे हम कहेंगे दिस इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ वाटर। अगर आपके पास 18 ग्राम वाटर है तो इसका मतलब है आपके पास 1 मोल है वाटर का, यानी 1 मोल जो है, यानी जो आपके पास कंपाउंड्स होते हैं, अगर आप उनके मैसेस को ग्राम्स में रिप्रेजेंट करें, तो वो जो ग्राम्स में आपके पास मैस आएगा वो होगा उस सब्सटेंस का 1 मोल, उस सब्सटेंस का 1 मोल। तो 1 मोल, जो मोल का टॉपिक है, इसकी डिटेल हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में। तो यहाँ पर इतना ही आप देखेंगे, जब ये रिएक्शंस हो रहे होते हैं ये भी हम मोल्स में रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो 1 मोल ऑफ कार्बन एटम्स कंबाइंस विद 1 मोल ऑक्सीजन एटम्स टू फॉर्म 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस कंपाउंड। तो स्टूडेंट ये वो कहना ये चाह रहे हैं कि जैसे आपके पास ये है, ये केमिकल फार्मूला है कार्बन डाइऑक्साइड का, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का ये केमिकल फार्मूला है, ये आपको शो कर रहा है 1 मोल ऑफ दिस कंपाउंड, ठीक है। तो ये इस पॉइंट में आपको बता रहे हैं। नेक्स्ट चलते हैं स्टूडेंट, थर्ड पॉइंट हो गया। फोर्थ पॉइंट, क्या इट इज़ इनफैक्ट 1 मालिक्यूल और फार्मूला यूनिट ऑफ अ कंपाउंड? यानी अगर किसी भी कंपाउंड का जब आप केमिकल फार्मूला लिख लेते हैं तो वो क्या शो करता है? वो 2 चीज़ें शो करेगा। अगर तो वो केमिकल फार्मूला आयोनिक कंपाउंड का है तो उसको हम कहते हैं फार्मूला यूनिट कहते हैं। तो इसका मतलब है कोई भी केमिकल फार्मूला या तो वो फार्मूला यूनिट होगा अगर आयोनिक कंपाउंड होगा, ठीक है, और अगर कवलेंट कंपाउंड होगा तो उसे कहेंगे हम ये मालिक्यूल है, या कह सकते हैं मालिक्यूलर फार्मूला। फॉर एग्जांपल हमारे पास जी स्टूडेंट सोडियम क्लोराइड। अब सोडियम क्लोराइड का क्या है जी केमिकल फार्मूला? सोडियम क्लोराइड का केमिकल फार्मूला होता है NaCl। दिस इज़ द केमिकल फार्मूला ऑफ सोडियम क्लोराइड, NaCl। तो जो सोडियम क्लोराइड है वो आयोनिक कंपाउंड है। तो जो आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं उनके जो फार्मूलाए होते हैं उन्हें हम फार्मूला यूनिट्स भी कहते हैं। तो इसे हम फार्मूला यूनिट भी कह सकते हैं, और ये केमिकल फार्मूला भी है और फार्मूला यूनिट भी है। इसी तरह जो कवलेंट कंपाउंड्स होते हैं उन्हें जनरली केमिकल फार्मूला भी कह सकते हैं और मालिक्यूल भी कह सकते हैं, उसको मालिक्यूलर फार्मूला भी कह सकते हैं। तो फर्स्ट को जैसे वाटर है, स्टूडेंट वाटर है क्या है जी? H2O। तो H2O इज अ 1 मालिक्यूल या मालिक्यूलर फार्मूला ऑफ एनी कवलेंट कंपाउंड, या इसको आप कह सकते हैं इट्स अ केमिकल फार्मूला ऑफ वाटर। केमिकल फार्मूला जनरल नेम है, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हर फार्मूला केमिकल फार्मूला है। तो इस पॉइंट में यही आपको शो करा रहे हैं कि अगर आपके पास किसी सब्सटेंस का आपके को केमिकल फार्मूला पता है तो इससे आप ये जज कर सकते हैं कि वो फार्मूला यूनिट है या मालिक्यूलर फार्मूला है या जस्ट मालिक्यूल है। तो आयनिक कंपाउंड्स के फार्मूला यूनिट्स होते हैं और कवलेंट कंपाउंड्स के मालिक्यूल होते हैं, यानी रिप्रेजेंट करेगा, शो करेगा केमिकल फार्मूला फार्मूला यूनिट को या मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करेगा। तो इसके बाद फोर्थ पॉइंट हो गया स्टूडेंट। तो 4 पॉइंट हो गए, लास्ट पॉइंट सिग्निफिकेंस ऑफ अ केमिकल फार्मूला। लास्ट पॉइंट में वो कह रहे हैं, फिफ्थ पॉइंट, कैन इट इंडिकेट्स द मास ऑफ द कंपाउंड इन AMUs और ग्राम्स, ठीक है। इट इंडिकेट्स द मास ऑफ द कंपाउंड्स इन AMUs और ग्राम्स। तो इसमें आपको पता है 2 यूनिट होते हैं मास, जब हम फाइंड आउट करते हैं तो AMU भी हो सकता है यूनिट और ग्राम्स भी हो सकते हैं यूनिट। तो अगर आपको किसी भी सब्सटेंस का केमिकल फार्मूला आता है तो उस केमिकल फार्मूले की मदद से आप उसका मास फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। चाहे उसके यूनिट AMU हों या ग्राम्स हों, तो आप उसका मास आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर केमिकल फार्मूला नहीं आता होगा तो कैसे हम फाइंड आउट करेंगे? फॉर एग्जांपल स्टूडेंट, जैसे हमारे पास है NaCl, सोडियम क्लोराइड। अब सोडियम क्लोराइड है जी आपके पास, अगर आपके पास जस्ट एक सोडियम क्लोराइड है
तो इसका मैस कितना बनेगा, सोडियम का 23 और क्लोरीन का 35.5, तो इसका मैस बनेगा 58.5। तो अगर आपके पास जस्ट एक ये फार्मूला यूनिट है सोडियम क्लोराइड का NaCl का, तो सोडियम का मैस 23 और क्लोरीन का मैस 35.5, तो कितना बन गया 58.5। तो इसके यूनिट क्या होंगे, मैस तो हमने फाइंड आउट कर लिया जस्ट वन का, तो इसके यूनिट होते हैं नॉर्मली AMU। क्या यूनिट होते हैं, AMU। तो अगर आपके पास वन मोल होगा NaCl का, क्या होगा, पूरा एक मोल हो, वन मोल ऑफ NaCl फार्मूला यूनिट्स हो, ठीक है, तो वो बहुत सारे होंगे, तो उसका मैस पे कितना बनेगा, इसके यूनिट्स चेंज कर देंगे तो यूनिट क्या आ जाएगा, ग्राम। यानी अगर आपके पास 58.5 ग्राम नमक है, सोडियम क्लोराइड है, तो आप कहेंगे कि आपके पास है वन मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड, ठीक है। 58.5 ग्राम अगर आपके पास NaCl हो तो इट इज़ इक्वल टू वन मोल ऑफ NaCl। यानी वन मोल जो है एक अमाउंट है एज़ कम्पेयर टू AMUs, ये बहुत बड़ी अमाउंट है, ग्राम्स और AMU में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। तो पॉइंट में वो यही समझाना चाह रहे हैं आपको कि अगर आपको केमिकल फार्मूला पता है किसी भी सब्सटेंस का, तो उस केमिकल फार्मूले को इस्तेमाल करके, यूज़ करके आप उस सब्सटेंस का मैस फाइंड आउट कर सकते हो AMU में भी और ग्राम्स में भी। अगर वो एक होगा फार्मूला यूनिट या मॉलिक्यूल होगा, तो उसका मैस AMU में हम रिप्रेजेंट करते हैं। अगर उसका पूरा वन मोल होगा तो उसके मैस को हम ग्राम्स में रिप्रेजेंट करते हैं। तो स्टूडेंट ये पांच पॉइंट हैं इसके, तो ये फाइव पॉइंट्स हैं, ये आपका क्वेश्चन मुकम्मल हो गया। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इसी से रिलेटेड है जो बहुत ही अहम क्वेश्चन, केमिकल फार्मूला लिखते कैसे हैं, नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा, हाउ टू राइट अ केमिकल फार्मूला, बहुत ही अहम लॉन्ग क्वेश्चन है वो फर्स्ट चैप्टर का, हाउ टू राइट अ केमिकल फार्मूला, केमिकल फार्मूला कैसे लिखते हैं, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 15 में कवर करेंगे। तो आज का लेक्चर जो 14 है यहाँ पे ख़त्म होता है। तो स्टूडेंट उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी, कोई इशू है, कोई क्वेश्चन है, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।